ओके, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। दीज आर द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर 13, सब्जेक्ट ईवीएस एंड क्लास 5th। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज डायरेक्टली, डी आई आर ई सी टी एल वाई, डायरेक्टली इन हिंदी प्रत्यक्ष रूप से। और इसका अपोजिट जो वर्ड है डैट इज इनडायरेक्टली, आई एन डी आई आर ई सी टी एल वाई, सो दैट इज अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट वर्ड इज मैन्यूर, एम ए एन यू आर ई, मैन्यूर मीन्स खाद, ठीक है। देखिए मैन्यूर हम जनरली कहते हैं जो हम काऊ डंग या बफेलो डंग या ड्राई लीव्स या डोमेस्टिक वेस्ट से जो खाद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्यूर। जो हम मार्केट से बाई करते हैं दैट वी कॉल्ड फर्टिलाइजर्स, जैसे यूरिया एंड नाइट्रोजन, ये वर्ड भी आगे आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोट्रॉप्स, ए यू टी ओ टी आर ओ पी एच एस, ऑटोट्रॉप्स मीन्स स्वयं पोषक, ठीक है। सो ये वर्ड आया, जैसे प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, स्वयं पोषक हैं, वो अपना खाना जो पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं तो उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइमरी, पी आर आई एम ए आर वाई, प्राथमिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोड्यूसर्स, पी आर ओ डी यू सी ई आर एस, प्रोड्यूसर्स मीन्स उत्पादक। सो इनको प्लांट्स को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राथमिक उत्पादक, है ना। जो फूड चेन है उसमें ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। ट्रैप्स, टी आर ए पी एस, ट्रैप्स मीन्स जाल में फंसाना, ठीक है। बहुत कॉमन वर्ड है ट्रैप्स। नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलाइजर्स, एफ ई आर टी आई एल आई जेड ई आर एस, उर्वरक, जिसकी हमने बात की कि विच वी बाई फ्रॉम द मार्केट, जस्ट लाइक यूरिया एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा। फर्टिलिटी, एफ ई आर टी आई एल आई टी वाई, फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊपन। सो जो सोल है, मिट्टी है, अगर उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो जो फार्मर्स हैं वो उस सोल के अंदर मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स मिक्स करते हैं, ठीक है। सो ये वर्ड वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है रिप्लेनिश, फिर से पूर्ति करना, आर ई पी एल ई एन आई एस एस, रिप्लेनिश मीन्स फिर से पूर्ति करना, ठीक है। जैसे अपनी बुक में सेंटेंस है, समटाइम्स द सोल लूजेज इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, सो टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोल, ठीक है, इस तरह का एक सेंटेंस है। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं, एन यू टी आर आई ई एन टी एस, न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारी जो डाइट होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। शोल, एस ओ आई एल, शोल मीन्स मिट्टी, ठीक है, काफ़ी इजी वर्ड है। मोल्ड्स, एम ओ यू एल डी एस, मोल्ड्स मीन्स होती है फफूंदी, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ये कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन, और ग्रीन प्लांट्स लाइक देयर लीव्स हैव द क्लोरोफिल, बट प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं जिसमें एक मोल्ड्स भी है या मशरूम्स भी है, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, सो वो अपना, दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये हमने काफ़ी बात की थी इस पर। डिराइव मीन्स प्राप्त करना, यहाँ पे सेंटेंस में आया, दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ओके। नेक्स्ट है डिकेइंग मीन्स सड़ने वाले, ठीक है, डिकेइंग मीन्स सड़ने वाले, डी ई सी ए वाई आई एन जी, डिकेइंग मीन्स सड़ने वाले। लेसर, एल ई डबल एस ई आर, लेसर मीन्स न्यूनतम। और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, सी ओ एम पी एल ई एक्स, कॉम्प्लेक्स होती है जटिल, बोलते हैं ना पेचीदा, जटिल, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड है
पैरासिटिक पी ए आर ए एस आई टी आई सी परजीवी बाई सम प्लांट्स लिव ऑन अदर ग्रीन प्लांट्स टू डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, है ना, उनको हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, मतलब दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। होस्ट मेजबान, इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। ट्रांसपेरेंट टी आर ए एन एस पी ए आर ई एन टी, ट्रांसपेरेंट होती है पारदर्शक, ठीक है। जैसे द पैरासिटिक प्लांट्स आर जनरली ऑरेंज येलो एंड रेड और इवन ट्रांसपेरेंट, ओके। आई एन एस ई सी टी आई वी ओ आर ओ यू एस इंसेक्टिवेरस, इंसेक्टिवेरस होते हैं जो कीट खाने वाले जो होते हैं प्लांट्स, उनको हम इंसेक्टिवेरस कहते हैं। इंसेक्टिवेरस प्लांट्स आर कार्निवोर्स, मतलब मांस खाते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवोर्स, सी ए आर एन आई वी ओ आर ई एस, कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी। सो अभी हमने रिपीट किया सेंटेंस, इंसेक्टिवेरस प्लांट्स आर कार्निवरस। नेक्स्ट है पीचर, पी आई टी सी एच ई आर, पीचर मीन्स घड़ा, जिसकी सेप मटकी जैसी हो उसको हम पीचर कह सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूम, खाना, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स एंड संडू प्लांट्स कंज्यूम इंसेक्ट्स फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीने के लिए वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स कीट खाते हैं। जॉ, जे ए डब्ल्यू जॉ मीन्स जबड़ा, हमारे जो है एक अपर जॉ होता है, एक हमारे लोअर जो होता है भी, है ना, जबड़ा। प्रे मीन्स शिकार, पी आर ई वाई प्रे मीन्स शिकार। मोडिफाइड, एम ओ डी आई एफ आई ई डी, मोडिफाइड मीन्स परिवर्तन करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड्स, एस एल आई डी ई एस, स्लाइड्स मीन्स फिसलना। एस टी आई सी के वाई, स्टीकी मीन्स चिप चिपा, ठीक है, स्टीकी बोलते ना। सो जो स्टीकी वर्ड है ये भी आया है। द लीव्स ऑफ ए सेंड्यू प्लांट हैव चाइनी हेयर लाइक ग्रोथ कवर्ड विद सम स्टीकी लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रीटेड, एस ई सी आर ई टी ई डी, सेक्रीटेड मीन्स स्रावित करना, छोड़ना एक तरह से। द इंसेक्ट इज ग्रेजुअली डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीटेड बाय द प्लांट, स्रावित करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है थोड़ा ऊपर, नेक्स्ट वर्ड है डीकम्पोजर्स, डी ई सी ओ एम पी ओ एस सी आर एस, डीकम्पोजर्स मीन्स अपघटक, ओके। नेक्स्ट वर्ड है अपघटक मीन्स देर आर सम एनिमल्स दैट डिराइव फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे डीकम्पोज द डिकेइंग मैटर टू ऑब्टेन देयर फूड, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, ठीक है। हेल्प करते हैं ना वो इकोसिस्टम में, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट से लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं। सो डीकम्पोज करते हैं डिकेइंग मैटर को, सो वो फूड लेते हैं लेकिन इनडायरेक्टली वो इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है। लक्कड़बग्घा एक वर्ड है हिंदी में, हीनाज, एच वाई ई एन एस, हीनाज ये है लक्कड़बग्घा, ठीक है, देखा होगा आपने पिक्चर यूट्यूब वगैरह पे। फूड चैन, एफ डब्ल ओ डी सी एच आई एन, फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। फूड चैन पे हमने काफ़ी डिस्कस किया था, ठीक है, कि फूड चैन क्या होती है, कि भाई जैसे एक फूड चैन थी ग्रास है, उसको ग्रास ऊपर खाता है, फिर रैट खाता है, रैट को स्नैक खाता है, एंड सांप को हॉक खाता है, तो एक फूड चैन हो गया। ऐसे एल्गे है, एल्गे है तो एल्गे को मॉस्किटो खाता है, मॉस्किटो को ड्रैगन फ्लाई खाता है, ड्रैगन फ्लाई को फिश खाता है, एंड देन फिश को रेकॉन खा जाता है, सो रेकॉन उसको फाइनली फिश को खा जाता है, तो ये एक फूड चैन है। एल्गे भी आया, एल्गे मीन्स काई या सहवाल, ये भी एक प्लांट का नाम है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। Please go through these hard words carefully, learn them and also note down in your EVS fair notebook in neat and clean handwriting. So see you in the next class. Have a great day. Bye-bye.